रसोई देसी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बनाएंगे चावल, साबूदाना और चना दाल के पापड़ और रिंग। और इसके लिए लिया हमने एक आलू को हमने उबाल लिया है, साबूदाने का पाउडर बारीक कर लिया हमने, चावल का पाउडर, चावल को भी हमने पीस लिया है, हरी मिर्च और हरा धनिया और चना दाल का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे 2-3 लहसुन की कलियां, अजवाइन, जीरा और स्वाद अनुसार नमक। एक बोल लेंगे हम, उसमें हम डालेंगे चावल का आटा, साबूदाने का पाउडर इतना डालेंगे हम। इसमें डालेंगे हम अब चना दाल का पेस्ट। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, कोथमीर, लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अजवाइन डालेंगे इसमें, जीरा, और हमने और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है वो भी इसमें हम ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा जैसा आपको समझ में आता है वैसा। आलू को हम अच्छे से बारीक कर लेंगे, इसमें गुठलियां ना रहे इस तरह से। अच्छे से हमने इसे बारीक कर लिया है, अभी ये इसमें हम डालेंगे। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये सूखा लगे आटा हमारा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर आप इसमें पानी मिला सकते हैं अगर ये सूखा लगे तो। इस तरह से हमने अपने आटे को गूंद लिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमको जैसा पानी की जरूरत है वैसे हमने पानी लगाया है इसे। ये हमारा डो बनकर रेडी है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने ढककर रखा था आटे को। हमारा आटा इस तरह से सॉफ्ट अब एकदम नरम हो चुका है। हाथों को थोड़ा सा तेल लेकर हम आटे को और सॉफ्ट करेंगे और इसके हम गोलियां बना लेंगे इस तरह से। ये गोलियां बना ली है आटे के हमने। अब इसे हम चकले पे बेल लेंगे और अपने रिंग्स बना लेंगे। एक पॉलीथीन की बैग लेंगे, उसे ऑयल लगाकर अपना हम अपने गोलों को बेल लेंगे। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। रिंग बनाने के लिए लेंगे हम 2 ढक्कन, एक बड़ा और एक छोटा। और इस ढक्कन से हम पहले एक पूरी बना लेंगे इस तरह से, साइड का हम हटा देंगे। एक छोटे ढक्कन से हम इस बीच में इस तरह से एक छोटी सी पूरी निकालेंगे और इसे रिंग बना देंगे। ये इस तरह से हम अपनी रिंग बनाएंगे। आधे आटे के हम रिंग बनाएंगे और आधे आटे के हम पूरियां बनाएंगे। हमारे रिंग्स और पूरियां बनकर रेडी है। इस तरह से हमने बना लिया है सब पूरी और रिंग्स। अब इसे हम तेल में तल लेंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लिया है हमने। अच्छे से गरम करके हम गैस को थोड़ा कम कर लेंगे। सबसे पहले हम रिंग्स निकालेंगे तलकर। हम अपने रिंग्स इस तरह से तल लेंगे तेल में। रिंग्स तलते समय गैस को थोड़ा कम ही रखें क्योंकि आपके रिंग अच्छे से तलेंगे अंदर तक। अगर आपका तेल ठंडा हो जाए तो बीच बीच में थोड़ा गैस को बढ़ा लीजिएगा। इसी तरह हम पूरे अपने रिंग्स को तल लेंगे तेल में।
ये हमारे रिंग्स अंदर तक तल कर रेडी है, इसे हम निकालेंगे। अच्छे से कलर आ चुका है, सभी रिंगों को हमने तल लिया है। अब हम तलेंगे पूरियों को। पूरियों को हमने पतला पतला बेला है, इसके लिए क्रिस्पी हो जाएंगे तलने के बाद बहुत ही, और खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी है ये। इससे ज्यादा ब्राउन नहीं तलेंगे क्योंकि ये खाने का थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा इसका, इसके लिए इसी तरह से हम तलेंगे हल्का हल्का कलर आने तक। इसी तरह से हम सब पूरियों को तल लेंगे। ये हमारे पूरियां और रिंग्स बनकर हमारे रेडी है और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे है।